बिल्कुल करना है। वोट के लिए हाथ जोड़े हुए लोगों से माफी मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे की ये तस्वीर सुर्खियों में। दरअसल प्रमिला पांडे को खबर मिली थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से वार्ड नंबर 69 में सिंधी समाज के लोग नाराज हैं। यहाँ सिंधी समाज के 2000 से भी ज्यादा वोटर हैं। ऐसे में प्रमिला पांडे खुद भी सिंधी समाज के लोगों के बीच पहुँच गए, भाजपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार के लिए माफी मांगी, दावा किया कि गलत व्यवहार करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया जाएगा। भैया भैया, हम पैसे अरे आप आज का काम आपको मेरा वोटिंग कर दो। हाँ बिल्कुल सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं। अब इन तस्वीरों को देखिए, भाजपा से सिंधी समाज की नाराजगी की बड़ी वजह यही तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें बीच सड़क पर झड़प की हैं। तस्वीरों में दिख रहे कई लोगों के शर्ट पर कमल निशान लगा है, तो एक युवक ये भी कहता दिख रहा है कि ये गुंडों की सरकार है। जीतेंगे। कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, वो दावा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हम लोग सर बस वहाँ बैठे हुए थे, हम लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आई, गाली गलौज की कि अमित खत्री को बाहर निकाल, और वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। इतने लोग थे, वो भाजपा का ही नारा भी लगा रहे थे उस समय, और चूंकि हमारा समाज बढ़ चढ़ के वोटिंग करता, उनका मंशा ये थी कि यहाँ पे पोलिंग वोटिंग ना हो पाए, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद और बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। ये सब करने की जरूरत क्या है, उन लोगों को क्यों नाराज है? ये वो इसलिए नाराज है कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा समाज एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, जिसने हम लोगों के बीच में 5 साल रह करके काम किया है, पूरा समाज उसका समर्थन कर रहा है, ये चीज उनको नागवारा गुजर रही थी, इसीलिए उन्होंने ये सुनियोजित तरीके से ये हमला किया। हाँ, पोलिंग सबने की। ये सारा पूरा शहर नोट कर ले कि सिंधी समाज किसी भी पार्टी या किसी के दबाव में वोट नहीं करता है, हम अपने प्रत्याशी को खुला समर्थन करते हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर सिंधी समाज के लोगों ने आरोप लगाया था कि निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की, घर में घुसने की कोशिश की और मारपीट भी की। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रमिला पांडे के पहुँचने और सिंधी समाज के लोगों से माफी मांगने से उनकी नाराजगी काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन इन तस्वीरों ने भाजपा के सामने नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी।